भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट की सीरीज का दूसरा मैच चेन्नई में खेला जा रहा है। दूसरे दिन की टीम इंडिया ने पहली पारी में 329 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 161 रन की पारी खेली। इसके जवाब में इंग्लैंड टीम रोहित के स्कोर की बराबरी भी नहीं कर सकी और 134 रन पर सिमट गई। हालांकि लड़खड़ाती पारी के साथ इंग्लिश टीम ने फॉलो ऑन बचा लिया। टीम के फॉलो ऑन बचाने के लिए 130 रन की जरूरत थी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने दूसरी पारी में एक विकेट गंवाकर 54 रन बना लिए हैं। इस लिहाजे से इंग्लैंड पर 249 रन की लीड बना ली है। फिलहाल रोहित शर्मा और तेजेश्वर पुजारा नाबाद हैं। इंग्लैंड के लिए पहली पारी में बेन फोग्स ने सबसे ज्यादा 42 रन और ओली पॉप ने 22 रन बनाए। कप्तान जो रूट समेत 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। टीम इंडिया के रविंद्र अश्विन ने 5 और टेस्ट डेब्यू खेल रहे अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए। ईशांत शर्मा को भी 2 और मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला। इंग्लैंड की शुरुआत बेहद ही खराब रही। टीम ने पहले ही ओवर में शून्य पे अपना पहला विकेट गंवा दिया। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने ओपनर रोरी बर्न्स को LBW कर टीम को पहला झटका दिया। इसके बाद लगातार अंतराल पर टीम ने विकेट गिरते रहे। 52 रन पर इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। 106 रन तक आते आते 8 खिलाड़ी आउट हो गए। भारतीय स्पिनर रविंद्र अश्विन ने इंग्लैंड को संभलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने 5 विकेट लेकर मिडल ऑर्डर एकदम से ध्वस्त कर दिया। उन्होंने ओपनर डॉम सेविल, डॉन लॉरेंस, बैन स्टोक्स, ओली स्टोन्स और स्टुअर्ट ब्रॉड को पवेलियन भेजा। टेस्ट डेब्यू खेल रहे अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए। उन्होंने अपना पहला शिकार जो रूट को बनाया। रूट का कैच अश्विन ने लिया। अक्षर ने दूसरा शिकार मोइन अली को बनाया। मोइन 6 रन बनाकर रहाणे के हाथों कैच आउट हुए। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पारी में अपना पहले ओवर की पहली बॉल पर विकेट लिया। कप्तान कोहली ने उन्हें पारी का 39वां ओवर कराया। सिराज ने ओली पॉप को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया। भारतीय बल्लेबाज तेजेश्वर पुजारा इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान फील्डिंग करने नहीं उतरे। उनकी जगह रिजर्व प्लेयर मयंक अग्रवाल मैदान पर आए। मैच के पहले दिन बल्लेबाजी करने के दौरान पुजारा के हाथ पर चोट लग गई थी। पहली पारी में उन्होंने 58 बॉल पर 21 रन की पारी खेली थी। दूसरे दिन टीम इंडिया ने 6 विकेट पर 300 रन से आगे खेलना शुरू किया था। टीम सिर्फ 29 रन बना सकी। दिन के दूसरे ओवर में ही टीम ने 2 विकेट गंवा दिए थे। मोइन अली ने अक्षर पटेल और ईशांत शर्मा को पवेलियन भेजा। इसके बाद 96 ओवर में ओली स्टोन ने कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज को आउट कर टीम इंडिया को रोक दिया।